हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि अभी तक आप हमारे कॉमर्स मेरी जान के फैमिली मेंबर नहीं बने हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यह चैनल होने वाला है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल। और सर, व्हाट विल वी डिस्कस इन दिस क्लास? इस क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रामबाण ऑफ इकोनॉमिक्स सर। यस सर, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स का रामबाण सर। जिनको भी इकोनॉमिक्स की पूरी डिटेल क्लास चाहिए, क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 19 तक, वो भी हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी और अगर तो आप जरूर से उसको देखिएगा, वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। मैंने वहां पर उसका लिंक भी आपको दे रखा है सर। तो यदि अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स लाइफ में भी नहीं पढ़ी और इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट भी नहीं है तो भी उस 19 क्लासेज को देख लीजिएगा, आपकी इकोनॉमिक्स के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे सर। तो सर, इस रामबाण ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं? इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स को बिल्कुल समराइज वे के अंदर करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स को हम खत्म कर देंगे जस्ट 15-16 पेजेस के अंदर। यस, 15-16 पेजेस के अंदर हम इकोनॉमिक्स को खत्म कर देंगे। और आप देखोगे कि सर, आपके एग्जाम के अंदर जितने भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे यहीं से पुटअप हो रहे हैं सर। तो काफी ज्यादा मेहनत बनी है। तो वीडियो को सर जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आएंगे ना जिनको तो वीडियो से मतलब ही नहीं है, वो भी तो डिसलाइक करेंगे ना। तो आप भी क्या करेंगे सर, आपको तो वीडियो से मतलब है ना, तो आप वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे सर। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा सर। सर, इसका PDF लेने के लिए क्या करें? PDF लेने के लिए आपको बता रखा है कि आप कनेक्ट हो जाइएगा Instagram के ऊपर। Instagram के ऊपर सर्च कीजिएगा CS अभिषेक हो जाके नाम से, और जैसे ही इस वीडियो के ऊपर 5000 व्यू हो जाते हैं, 5000 व्यू का टारगेट रखते हैं, 5000 व्यू हो जाते हैं। 5000 व्यूज कैसे होंगे? जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा आप व्यूज़ होंगे। जैसे ही 5000 व्यू हो जाते हैं, मैं इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा सर। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने रामबाण ऑफ इकोनॉमिक्स। और अदर सब्जेक्ट्स की भी रामबाण मैं आपके लिए जल्द लेकर आने वाला हूं सर। तो यहां पर हमारी है रामबाण ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि लिखी है मैंने खुद ने CS अभिषेक ओझा ने सर। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आई एम जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर इन BSNL। तो जय श्री राम के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी रामबाण। और ये यूजफुल कहाँ रहेगी? ये एंटीनेट कॉमर्स, एंटीनेट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, आपके सेट एग्जाम के अंदर, SSC एग्जाम्स के अंदर भी इकोनॉमिक्स आती है, वहाँ पर भी ये काफ़ी यूजफुल रहेगी। CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन में भी इकोनॉमिक्स आती है, वहाँ पर भी ये यूजफुल रहेगी। और अगर कोई सा भी एग्जाम जहाँ पर आपका जो इकोनॉमिक्स पूछे जाने का जो तरीका है वो MCQ फॉर्मेट का है सर, वहाँ पर सभी जगह पर ये यूजफुल रहेगी। इस तरह से इसको फ्रेम किया गया है। पूरी इकोनॉमिक्स को हम पूरे के पूरे 16 पेजेस के अंदर कवर कर लेंगे। तो इसी तरह के शॉर्ट नोट्स के लिए आप कनेक्ट हो जाइएगा Instagram के ऊपर CS अभिषेक हो जाके नाम से सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी रामबाण ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिएगा, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस बोले तो सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वही हमको इकोनॉमिक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। कि बस सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम कर देते हैं, प्राइस कम होने पर डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक तरह की सोशल साइंस है जो कि रिलेटेड है किससे? मनी से, या फिर इसको कह सकते हो मॉनेटरी एक्टिविटीज से। मतलब कि एक पर्सन दो तरह की एक्टिविटीज़ करता है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। इकोनॉमिक्स के अंदर वो एक्टिविटीज़ जो कि मॉनेटरी होगी केवल और केवल उन्हीं की स्टडी की जाएगी। घर पर आप जाते हो, मम्मी गर्मा गर्म खाना खिलाती है, गृहिणी की सेवाएं इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के अंदर शामिल नहीं करती है, क्योंकि वो रुपए पैसे से रिलेटेड नहीं है। सर, ये इकोनॉमिक्स अभी तक क्यों एग्जिस्ट है? इसके दो फैक्ट्स है। पहली बात तो सर, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी बोले तो ह्यूमंस की जो इच्छाएं वो अनलिमिटेड है, और इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं सर हमारे पास सर, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है सर। और अब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड खूब सारी डेफिनेशंस दी है, वेल्थ डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एडम स्मिथ ने एक बुक भी लिखी थी सर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और ये बुक कब लिखी थी सर? 1776 में। सर, सारी की सारी बातें आप ये ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स है, आप
और ज्यादा शॉर्ट नोट्स मत बना लेना सर इनके ऊपर, है ना। तो वेल्थ डेफिनेशंस के ऊपर सारी बातें याद हो गई सर। एडम स्मिथ की डेफिनेशंस भी काफी बार एग्जाम में आती है। एडम स्मिथ ने डेफिनेशन क्या दी, इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो कि डील करती है केवल और केवल वेल्थ के साथ। इन्होंने माना कि एक ह्यूमन जो है उसके अंदर किसी तरह का इमोशन नहीं है, वो केवल और केवल रुपए पैसे के लिए काम करता है। उसके बाद में इन्हीं के जो चेले थे उनकी आई थी वेलफेयर डेफिनेशन, जो कि दी थी आपके लिए अल्फर्ड मार्शल ने, और उन्होंने इकोनॉमिक्स में खूब सारे काम किए हैं। इनकी बुक जरूर से याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स या प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और ये बुक कब आई थी सर, 1870 के अंदर उन्होंने ये बुक लिखी थी सर। ऐसे चेले नहीं थे, मतलब इनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे सर, है ना। नेक्स्ट आता है स्केयरसिटी डेफिनेशन। स्केयरसिटी डेफिनेशन जिसकी वजह से आज इकोनॉमिक्स क्या है, आज भी इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करती है। इन्होंने कहा था कि आपके जो ह्यूमन वॉन्ट्स हैं वो तो क्या है, अनलिमिटेड है, और जो उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो कैसे है सर, लिमिटेड है। किसने दी थी आपके लिए, लिनियल रॉबिन्स ने दी थी। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी एन ऐसे, आप या इसको याद कर लीजिएगा ऐसे से, है ना, एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। किसने ऐसे लिखा था, रॉबिन्स ने। ग्रोथ डेफिनेशन दी थी पी ए सेमुलसन ने, और इन्होंने भी एक बुक लिखी थी इकोनॉमिक एक इंट्रोडक्टरी एनालिसिस 1948 में। आप इनके ईयर्स भी याद रखिएगा क्योंकि ईयर्स से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया था रेगनर फ्रेंसिस ने। देखो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट बात है, माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो का मतलब भी होता है स्मॉल, तो इसके अंदर हम जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है उनका, इंडिविजुअल जो यूनिट्स होती है उनकी स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने का काम किसने किया था, मार्शल ने। क्वेश्चन पूछा था माइक्रो इकोनॉमी को डेवलप किसने किया था, मार्शल ने। माइक्रो इकोनॉमी को कौन से नाम से जाना जाता है, माइक्रो इकोनॉमी को प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो इकोनॉमी के अंदर आप एक इंडिविजुअल यूनिट्स का क्या करते हो, स्टडी करते हो, तो कौन कौन सी चीज इसके अंदर स्टडी की जाती है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। इसमें प्रोडक्ट प्राइस, एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग, कंज्यूमर्स का बिहेवियर की प्राइस बढ़ने पर वो क्या करता है, डिमांड कम करता है। फैक्टर की प्राइसिंग, जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर लगते हैं उनकी प्राइस, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ए सेक्शन ऑफ पीपल, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल्स की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, एक पर्टिकुलर फर्म्स के बारे में, और उन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज की लोकेशंस वगैरह के बारे में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आप एग्रीगेट के अंदर एक इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी ना करके एग्रीगेट स्टडी करते हो, एक इंडिविजुअल की इनकम की स्टडी ना करके नेशनल इनकम, फुल नेशनल का एम्प्लॉयमेंट, टोटल कितना आउटपुट हुआ, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया कंट्री ने, टोटल कंट्री ने कितना कंजम्पशन किया। एक इंडिविजुअल का कंजम्पशन तो माइक्रो के अंदर आ जाएगा, पूरे देश का कंजम्पशन कहाँ पर आ जाएगा, टोटल कंजम्पशन में। आप कुछ खाते हो तो वो माइक्रो में, पूरा देश क्या खाता है वो मैक्रो के अंदर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है सर, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो जब भी आपके कोर्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो मान के चलिएगा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी है, क्योंकि इट इज ए पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये कहता है पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सर, दिया किसने था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये दिया था आपके लिए जॉल डीन ने। किसने दिया था, जॉल डीन ने। काफी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, आप जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो थ्योरीज पढ़ते हो, जो टूल्स पढ़ते हो, जो कंसेप्ट पढ़ते हो, उसके अंदर उसको बिजनेस प्रॉब्लम्स के, जो बिजनेस प्रॉब्लम्स आ रही है उसके अंदर अप्लाई करना और उन बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में। दो तरह की साइंस होती है सर, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस बताती है कि क्या है, है ना, जो चीजें होती है डायरेक्ट वो वैसे बताती है कि क्या है, ना कि ये बताती है कि क्या होना चाहिए। जबकि नॉर्मेटिव साइंस बताती है, नॉर्मेटिव साइंस ये बताती क्या है, नॉर्मेटिव साइंस बताती है कि क्या होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस देश के अंदर क्या है, अगर हम कहते हैं तो भाई इस देश के अंदर बेरोजगारी है, तो ये तो कौन सा हुआ, पॉजिटिव साइंस। इस देश के अंदर बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, रोजगार होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मेटिव साइंस। तो एक और क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, जो वेलफेयर होता है, जो वेलफेयर होता है, पहली बात तो वेलफेयर से रिलेटेड डेफिनेशन किसने दी थी आपको ये बताना है सर। तो वो कहता है कि जो वेलफेयर होता है ना वो किससे रिलेटेड है, पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है। तो जो वेलफेयर है सर वो हमेशा नॉर्मेटिव साइंस से रिलेटेड होगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, सिंपल सी बात है सर, हम कहते हैं कि क्या होना चाहिए, तो सिंपल सी बात क्या होना चाहिए, दिस इज ए लैंग्वेज ऑफ वेलफेयर सर, ये कल्याण वाली लैंग्वेज है कि भाई लोगों को रोजगार मिलने चाहिए, लोगों की भूखमरी कम होनी चाहिए,
और दो मेथड होते हैं सर, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड को क्या, देखो हमने बात की थी किसकी, इंडक्टिव मेथड की, है ना। इंडक्टिव मेथड के अंदर समझा था हमने, तो इंडक्टिव मेथड क्या होता है, जो पर्टिकुलर लोगों की स्टडी करता है और उन लोगों की स्टडी करने के बाद में वो जनरल कंक्लूजन लेता है। वो पर्टिकुलर जो लोग होते हैं उनसे डेटा कलेक्ट करता है, उन डेटा को एनालिसिस वगैरह करता है, इस वजह से, क्योंकि ये डेटा से रिलेटेड है और डेटा हमेशा हिस्टोरिकल होते हैं, तो हिस्टोरिकल मेथड और डेटा का आप क्या करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो, डेटा का इंटरप्रेट करते हो, ये सारी स्टैटिकल चीजें होती है, तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिकल मेथड। तो इसको हिस्टोरिकल मेथड या स्टैटिकल मेथड भी कहा जाता है। इसके जो एग्जांपल है वो प्रोडक्शन वाले जो चैप्टर्स के अंदर आते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, पॉपुलेशन थ्योरीज, ये सभी आपके इंडक्टिव मेथड के एग्जांपल है। बात करते हैं डिडक्टिव मेथड की, तो डिडक्टिव मेथड को आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड, प्रायर मेथड या एनालिटिकल मेथड भी कहते हो। डिडक्टिव मेथड के अंदर आप जनरल से, मतलब आप की जो जनरल ऑब्जर्वेशंस होती है उनसे आप पर्टिकुलर्स के ऊपर जाते हो। जैसे कि जनरल ऑब्जर्वेशंस क्या है कि सर मनुष्य क्या है, समझदार है, तो इस मनुष्य समझदार है इससे, ये जनरल चीज़ है, इससे आप पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर गए कि अगर किसी भी पर्टिकुलर मनुष्य की अगर ऊपर बात करें तो अगर प्राइस बढ़ती है तो पर्टिकुलर मनुष्य क्या कर देता है, उसकी डिमांड कम कर देता है। तो जो डिमांड से रिलेटेड जो लॉ है, जैसे कि लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर सरप्लस, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, आपके लिए डिडक्टिव मेथड के अंदर आ जाते हैं। अब डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड दोनों एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। जनरल से पर्टिकुलर जाने के लिए, पर्टिकुलर से जनरल जाने के लिए आपको दोनों चीजों को क्या करना पड़ेगा, साथ में रखना पड़ेगा। तो कुछ लाइन जरूर से याद रखिएगा, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है सर। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है कि क्या प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, लेबर की हेल्प से करें या फिर मशीनों की हेल्प से करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, गरीब लोगों के लिए करें या अपर क्लास के लिए करें सर। इकोनॉमिक्स जो अगर बात करते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तो अब हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में भी बात करेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी जो होती है वो तीन तरह की होती है। पहला आता है आपके लिए सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को लिखने वाले कौन थे, जरूर से याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को आप सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हो। यहाँ पर एक सेंट्रल पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप में कुछ पावर होती है और वो ही सारे डिसीजन लेती है कि आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कब कौन सा काम करना है, वही सारे डिसीजन लेती है, दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट होता है, मतलब कि सिंपल सी बात है, जिन चीजों की प्राइस ज्यादा होगी उन्हीं का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है सर, प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। प्राइवेट सेक्टर तो सर जिनकी प्राइस बढ़ेगी उन्हीं का तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। प्रॉपर्टी रखने का राइट होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है और एंटरप्राइजेस की फ्रीडम होती है कि वो कोई सा भी क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। मिक्स्ड इकोनॉमी को कहा जाता है सर प्लान्ड इकोनॉमी, और सोशलिस्ट इकोनॉमी को कहा जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो जहां पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, और इंडिया भी क्या है, एक तरह की मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट छोटा सा कंसेप्ट है सर कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कि कंज्यूमर्स कितनी प्राइस पे करने के लिए तैयार है माइनस कंज्यूमर्स ने कितनी प्राइस पे की है सर। जैसे कि अगर मैं पूछता हूँ रामबान के लिए आप कितने रुपए पे करने के लिए तैयार थे, क्योंकि बताया था ना सर एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम के अंदर काफी सारे मेंढक आएंगे बाहर और कहेंगे कि हमारे ये परचेज कर लो। सर एग्जाम टाइम के अंदर मैं कुछ भी परचेज करने के लिए आपसे नहीं कहूंगा, जितनी भी जो चीजें मैं आपकी ऐसे ही हेल्प कर सकता हूँ उतनी मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करूंगा सर। फॉर एग्जाम्पल आपकी इसके लिए 100 रुपए देने के लिए तैयार थे, लेकिन एक्चुअल प्राइस तो कितनी है, 0 रुपए सर। ज्यादा पीडीएफ में इस वजह से सेंड नहीं करता सर, क्योंकि वही जो भी कहा था ना बरसाती आएंगे वही क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और आपको सेल आउट करने लग जाते हैं सर, है ना। तो 100 रुपए की प्राइस है, आपने 0 पे किए तो आपका कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सर बनता कैसे पता ना सर, ये ऐसे बनता है एक गुफा की तरह, गुफा को हम बोलते हैं केव। तो काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैसा होता है, तो ये कौन केव होता है, रीजन क्या है सर कौन केव होने के पीछे, MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। समझेंगे सर क्या होता है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सिंपल सी बात है,
आपको अभी हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो अब उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज के ऊपर, पर्टिकुलर गिवन टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर हम दो गुड्स का प्रोडक्शन करें, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के में कितनी चीजों का प्रोडक्शन होता है, दो गुड्स का प्रोडक्शन होता है, तो ये उनके मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता है कि यस इन दो गुड्स का प्रोडक्शन इतना हो सकता है। जैसे कि ए का हो सकता है 10 तो बी का हो सकता है 0, ए का अगर हम बी का अगर हम एक बढ़ाते हैं तो हमको ए की कुछ यूनिट्स का प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, बी की अगर हम दो एक और बढ़ाते हैं तो ए की कुछ और यूनिट्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो बताता है कि गिवन टेक्नोलॉजी के ऊपर और गिवन रिसोर्सेज के ऊपर आप दो गुड्स का एक कॉम्बिनेशन बताता है कि जितना आप प्रोडक्शन कर सकते हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन बताते हैं जितना आप प्रोडक्शन कर सकते हो। तो पीपीसी इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी का कर्व है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, कर्व बोल दो, फ्रंटियर बोल दो या बाउंड्री बोल दो, ये ज्यादा बार पूछा जाता है। प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से इसको ज्यादा जाना जाता है, प्रोडक्शन वर्ड हटा दिया जाता है एग्जाम के अंदर। द पीपीसी कर्व सो दैट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, दो कमोडिटीज के वो वेरियस कॉम्बिनेशन जो कि प्रोड्यूस किए जा सकती है जो गिवन रिसोर्सेज या गिवन टेक्नोलॉजी के ऊपर। यह कॉनकेव टू ओरिजन होता है, इस तरह से जो बनता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव टू ओरिजन सर, ये कॉनकेव टू ओरिजन होता है। द रीजन इज एमआरटी, एमआरटी का मतलब बता दिया ना सर, अगर ए की 10 बन रही है बी की 0 बन रही है, अगर बी की अगर आप एक यूनिट बनाते हो तो ए की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्म। अगर पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन के रूप में है तो इसका मतलब होगा कि जो अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट कॉस्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। पीपीसी के ऊपर जितने भी जो पॉइंट्स बनते हैं वो सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। पीपीसी के अंदर अगर कोई पॉइंट बन गया तो इसका मतलब है कि देश के अंदर अभी भी रिसोर्सेज का यूज नहीं कर रहे हैं मोदी जी, अनएम्प्लॉयमेंट है। पीपीसी के बाहर कोई पॉइंट आ गया तो मतलब कि सर देश के अंदर काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी लेकर आ चुके हैं मोदी जी, लेकिन इस पॉइंट को सर हम छू नहीं सकते। मतलब पीपीसी के बाहर वाला जो पॉइंट होता है वो हमारी औकात से बाहर है, पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट है तो वो हमारे लिए शर्म वाली बात है सर, क्योंकि अभी भी क्या है यहाँ पर बेरोजगारी है। तो यहाँ पर कहता है कि जो पीपीसी कर्व के बाहर कोई पॉइंट होता है तो वो इम्पॉसिबल है, और पीपीसी के ऊपर पॉइंट पड़ता है तो वो पॉसिबल है, और पीपीसी कर्व शिफ्ट ऑफ द पीपीसी कर्व इज नथिंग बट द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर ये कहता है पीपीसी कर्व शिफ्ट हो गया, पीपीसी कर्व ऐसा था फिर ऐसा हो गया, ये कर सकते हैं सर मोदी जी, पीपीसी कर्व पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, मतलब और ऊपर चला गया, शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि हमारे देश के अंदर रिसोर्सेज भी बढ़ गए और टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई सर। लेकिन अगर कोई पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट है तो वो दिखाता है अनएम्प्लॉयमेंट को, ये क्वेश्चन सर खूब बार पूछा गया है। हो गया सर हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर का नाम आता है आपके लिए डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस के अंदर देखिएगा डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड का मतलब होता है कि आपको किसी चीज को पाने की सर इच्छा है, मेरा पिज्जा खाने की इच्छा है, क्या मेरे को पिज्जा खाने के लिए जो 500 रुपये चाहिए वो मेरे पास है क्या, यस सर मैं देखता हूँ जेब में 500 रुपये भी हैं, क्या मैं उन 500 रुपये को खर्च भी करना चाहता हूँ क्या सर, नहीं मैं उन 500 रुपये को खर्च नहीं करना चाहता सर, क्यों नहीं करना चाहता था, किसी खास ने दिए हैं तो मैं खर्च नहीं कर सकता सर, तो सर क्या मैं उस चीज़ उस पिज्जा की डिमांड कर पाऊंगा, नहीं सर मैं उस पिज्जा की डिमांड नहीं कर पाऊंगा सर। तो यहाँ पर डिमांड के लिए सर तीनों ही बातें होनी चाहिए, डिजायर भी होनी चाहिए, रुपए भी होनी चाहिए, रुपए को खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए सर। डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू अमाउंट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एट ए सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग फॉर एनी, देखो एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर सर्टेन प्राइस के ऊपर आप कितनी यूनिट्स की डिमांड करते हो, दैट इज कॉल्ड द डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है सर, लॉ ऑफ डिमांड रिलेशन बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कि एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आप उस चीज की कितनी डिमांड करते हो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कंस्टेंट सर, बाकी वाले फैक्टर्स कंस्टेंट रखना चाहिए, केवल और केवल प्राइस ही ऊपर नीचे जाएगी सर। ये ऑल अदर फैक्टर जो कंस्टेंट होते हैं इसको बोलते जाता है सर्टियस पेरिबस, सर्टियस पेरिबस के नाम से इसको जाना जाता है, ये भी एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये कहता है कि जैसे ही ये कहता है कि लोग डिमांड कहता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है। डिमांड शेड्यूल्स क्या होता है, आप अलग अलग प्राइस लेवल के ऊपर कितनी डिमांड करते हो उसको अगर हम एक शेड्यूल के अंदर लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल सर, और उसको अगर हम कर्व में बना देंगे दैट इज कॉल्ड द डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में भी हो सकता है और पूरे मार्केट के जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके से रिलेटेड भी हो सकता है सर।
नेक्स्ट आता है सर जो डिमांड कर्व होता है वो कुछ इस तरह से होता है, मतलब कि यह नीचे गिरता है। आपसे ये कहता है कि जो डिमांड कर्व होता है इसको नीचे गिरने के कारण क्या क्या है, इसका कारण है लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू बोले तो जैसे जैसे आप कंजम्पशन करते जाते हो आपको उससे पर्टिकुलर मिलने वाली जो यूटिलिटी या बोल सकते हैं उसकी सेटिस्फेक्शन जो पावर है या कह सकते हैं जो मजा है उस चीज को यूज करने का वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो सिंपल सी बात है आप उसकी डिमांड भी कम कर देते हो। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, इनकम इफेक्ट है सर, न्यू बायर्स ओल्ड बायर्स, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, गिव इन पैराडॉक्स, नेसेसरी गुड, स्पेकुलेशन, कॉन्शियस शेयर्स ऑफ स्पेकुलेटिव मार्केट और बैंडगोन इफेक्ट। बैंडगोन इफेक्ट का मतलब होता है कि आप जिस सोसाइटी से रिलेटेड करते हो उस सोसाइटी से रिलेटेड जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जैसे कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो वहां पर एक दिखा हुआ है गोल्फ खेलने का, तो गोल्फ वहां पर एक दिखा हुआ है गोल्फ खेलने का सर, है ना। ये सर एक्सेप्शन है ना, बिल्कुल। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि सर कॉजेज क्या है, तो ये कॉजेज तो पहला है लॉ ऑफ डीएमयू, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, न्यू बायर्स और ओल्ड बायर्स, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। गिफिन पैराडॉक्स या नेसेसरी गुड्स के ऊपर, स्पेकुलेशन के ऊपर आपको लग रहा है प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगी तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे ना सर, कम डिमांड नहीं करोगे। कॉन्स्पिरेसी मतलब जो महंगी चीज़ें होती है, स्पेकुलेटिव मार्केट जो होता है, बैंडगन और इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब आपको लगता है कि सर ज़्यादा प्राइस है तो वहाँ पर ज़्यादा क्वालिटी मिलेगी सर। डिमांड फंक्शंस का मतलब क्या होता है, ये रिलेशन बताता है डिमांड के बीच में और पर्टिकुलर, ये रिलेशन बताता है डिमांड फॉर ए कमोडिटी और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इस डिमांड, मतलब कि डिमांड के बीच में और उस डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक के बीच में। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित कर सकते हैं, उसकी खुद की प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस, कंज्यूमर्स की इनकम, कंज्यूमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस सर। जो डिमांड होती है सर वो तीन तरह की होती है, प्राइस डिमांड, सिंपल सी बात है कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जब भी इनवर्स रिलेशन होता है इस तरह का डायग्राम बनता है, जब भी वो पॉजिटिव रिलेशन होता है इस तरह का डायग्राम बनता है। इनकम डिमांड सर, इनकम डिमांड जो होता है अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, मतलब कि पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ जाती है तो वहां पर इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। और इन्फीरियर गुड्स के केस के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो वहां पर इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। क्रॉस डिमांड का मतलब होता है आपकी प्राइस कम या ज्यादा होने से डिमांड पर फर्क नहीं पड़ा है, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइस में कम ज्यादा होने से डिमांड के ऊपर फर्क पड़ा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोले तो सर जो तीनों चीजें साथ में जाएगी, कार और पेट्रोल सर। सर कारों की प्राइस बढ़ गई, कारों की प्राइस बढ़ गई तो जो पेट्रोल की डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी, क्योंकि कार की भी डिमांड कम हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है चाय कॉफी सर, चाय की प्राइस बढ़ गई तो लोग कॉफी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो यहाँ पर कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन यानी पॉजिटिव रिलेशन, मतलब कि चाय की प्राइस बढ़ी तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की भी डिमांड बढ़ गई, कॉफी की डिमांड बढ़ गई सर। आई बात समझ में सर। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप, जो डिमांड का बनता है वो कैसे बनता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड बनता है, लेकिन इन केस ऑफ द नेगेटिव रिलेशनशिप जो डिमांड का बनता है वो डाउनवर्ड बनता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएगा तो लेफ्ट से राइट की तरफ, लेकिन यहाँ पर नीचे गिरता हुआ और वहां पर ऊपर चढ़ता हुआ सर। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है सर आपका, और इसके लिए मैंने काफी फुल फ्लेश क्लास भी डाल रखी है, जरूर से उस क्लास को देखिएगा। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड सर, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपकी डिमांड बढ़ रही है, आपकी डिमांड बढ़ रही है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, या आपकी डिमांड कम हो रही है ड्यू टू चेंज इन प्राइस सर, मतलब कि प्राइस के चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड पर फर्क आ रहा है। इसमें एक जो आपका डिमांड कर्व होता है उसी के ऊपर ऊपर नीचे आप चले जाते हो, तो यहाँ पर आपका डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो जब भी शिफ्ट वाली बात आती है ना, केवल शिफ्ट वर्ड लिखा रहा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब होता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन सर प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस में चेंज होने के अलावा अदर रीजन की वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, प्राइस तो वही है लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई सर, तो इनकम बढ़ने की वजह से आप डिमांड बढ़ा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज ऑफ डिमांड या डिक्रीज ऑफ डिमांड। इसके अंदर आपका जो डिमांड कर्व होता है वो एक नया डिमांड कर्व बन जाता है। यहां पर आता है वर्ड शिफ्ट अलोंग विथ, ये वर्ड आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज के अंदर, केवल और केवल शिफ्ट वर्ड आता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर सर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कितना
रेस्पॉन्स, कितना रेस्पॉन्स दे रहा है। मतलब हमने कहा कि सर डिमांड, जो लो ऑफ डिमांड पढ़ा था कि सर प्राइस बढ़ने पर डिमांड ज़्यादा होती है, प्राइस ज़्यादा होने पर डिमांड कम होती है, लेकिन कितनी कम होती है, दैट इज़ कॉल्ड द इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड के अंदर क्या रेस्पॉन्स आया। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस की हम यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि आपके कोर्स में वही है। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, आप प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, आपकी डिमांड में कितना चेंज हुआ और आपके प्राइस में कितना चेंज हुआ सर, दोनों को डिवाइड करने से आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाती है सर। नेक्स्ट कहता है कि डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है सर वो कितनी तरह की होती है, वो होती है आपके लिए पांच तरह की। सबसे पहले आता है परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब कि परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब होगा चाहे आपकी डिमांड, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होगा कि आपकी प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, ये नीचे डिमांड है सर, ऊपर क्या है प्राइस है, आपकी प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हो रहा लेकिन आपकी जो डिमांड है वो सर बढ़ती ही जा रही है, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड सर। नेक्स्ट आता है सर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब कि सर प्राइस में कितना भी चेंज हो गया, प्राइस बढ़ती जा रही है लेकिन डिमांड सर वहीं की वहीं है, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक। तो सर अगर फिर डायग्राम ऐसे ऐसे जाता रहता है और फिर ऐसे, मतलब कि अगर ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, ये थोड़ी सी कम इलास्टिक है मतलब कि लेस देन वन है, ये यूनिटरी इलास्टिक है सर, और फिर एक और आता है सर जो कि मोर देन वन इलास्टिक है, और फिर आपके लिए परफेक्टली इलास्टिक आ जाएगा सर। परफेक्टली इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन वन है। अगर आप प्राइस में 10% चेंज करोगे तो आपकी डिमांड में 15% चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ये यूज होती है सर लग्जरी गुड्स के अंदर, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है सर। रिलेटिवली इन इलास्टिक का मतलब है कि प्राइस में 10% चेंज तो डिमांड में केवल और केवल 5% चेंज होगा सर, यह होती है नेसेसरी गुड्स के अंदर सर। नेक्स्ट आता है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या होती है सर, एक होती है, मतलब कि प्राइस में भी 10% चेंज होता है तो आपकी डिमांड में भी 10% चेंज होता है सर। और यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड के अंदर जो कर्व बनता है वो हाइपरबोला कर्व बनता है। तो क्वेश्चन काफ़ी बार लिख लीजिएगा हाइपरबोला कर्व के बारे में कि सर ये हाइपरबोला कर्व किससे रिलेटेड होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड से ये कर्व होता है सर। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापने के लिए तीन मेथड्स है सर, पहला है परसेंटेज मेथड जो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि प्राइस में 10% चेंज हुआ और डिमांड में 5% ही चेंज हुआ सर, डिमांड में कितना परसेंट चेंज हुआ, 5% चेंज हुआ। तो यहाँ पर आप परसेंटेज लिख के आप इसको सोल्व कर सकते हो। टोटल आउटले मेथड कहता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से आपके एक्सपेंडिचर में कितना आया, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज होता है प्राइस के कम होने की वजह से एंड डिक्रीज होता है प्राइस में बढ़ने की वजह से, तो यहाँ पर कहा जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन वन है, कॉन्स्टेंट रहता है आपका, तो कहा जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस वन है। और अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है विद द फॉल ऑफ द प्राइस, प्राइस कम होने से आपका भी कम हो गया सर, आपका एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, तो यहाँ पर कहा जाएगा जो ईपी है वो है आपके लिए ग्रेटर देन वन सर। पॉइंट मेथड के अंदर फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग ऐसे पॉइंट बना देते हैं और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स की इलास्टिसिटी जानने के लिए हम लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आर्क मेथड, इफ देयर आर स्मॉल चेंजेस इन डिमांड एंड प्राइस इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द इलास्टिसिटी डिमांड बाय द पॉइंट मेथड। ये कहां पर यूज होता है, जब आपके डिमांड और प्राइस के अंदर छोटे छोटे चेंज आते हैं सर, तो इसका फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो ये वाला। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर का या यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व इस चैप्टर के अंदर आपके आते हैं सर। ह्यूमन वॉन्ट्स कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है और डिफर इन इंटेंसिटी, मतलब कि कुछ ह्यूमन वॉन्ट्स तो अर्जेंट होती है, कुछ ह्यूमन वॉन्ट्स यस बाद में कर लेंगे सर, है ना। और यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, एक कमोडिटी की जो वॉन्ट सेटिस्फाइंग जो पावर होती है, किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन करने से आपको कितना मजा आता है, दैट इज कॉल्ड द यूटिलिटी सर। दो तरह की यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड होता है कार्डिनल से,
जो कि ये कहता है कि आपकी यूटिलिटी को आप नंबर के अंदर मेजर कर सकते हो, 1, 2, 3, ये दिया था मार्शल ने सर। इंडिफरेंस करो, इंडिफरेंस करो रिलेटेड होता है सर ऑर्डिनल से। ये कहता है कि आप अपनी यूटिलिटी को मजा नंबर में नहीं कर सकते, आप इसको मजा दे सकते हो कि सर मेरे को रसगुल्ले खाने में ज्यादा मजा आता है एज कम्पेयर टू गुलाब जामुन। आई बात समझ में? तो ये ऑर्डिनल दिया था आपके लिए हिक्स एंड एलन ने सर, जरूर से इसको याद रखिएगा सर। मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी दिया किसने था? मार्शल ने दिया था। कुछ कंजम्पशन पर बेस्ड था। रेशनलिटी, कंज्यूमर क्या है? समझदार है। कार्डिनल मेजरिटी ऑफ यूटिलिटी, यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो नंबर्स वगैरह के अंदर हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रहेगी सर वो कैसी रहेगी? कंसिस्टेंस रहेगी। ये कहता है कि लॉ ऑफ डीएमयू कहता है कि जैसे जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाते हो उसकी आपको मिलने वाली यूटिलिटी जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसको गोसेन का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहा जाता है सर। आई बात समझ में सर? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को गोसेन का सेकेंड लॉ भी कहा जाता है सर। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी रिलेटेड होती है 2 कमोडिटी से और लॉ ऑफ डीएमयू रिलेटेड होता है 1 कमोडिटी से सर। रेशनल रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, सर ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है? टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है? टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशन होता है? टोटल और मार्जिनल के बीच में मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? रिलेशन बता रहा हूँ सर। इनके बीच में रिलेशन होता है कि जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है सर। ये रिलेशन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है सर। लो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी 2 कमोडिटी के लिए बीच के अंदर यूज होता है। यह कहता है कि 2 कमोडिटीज के बीच में आप इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट के ऊपर आप कब पहुंचोगे? जब मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलने वाली है एक्स से बराबर होती है मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलने वाली है वाई से सर। तो इसका फॉर्मूला होता है सर इक्विलिब्रियम पॉइंट का MUX डिवाइडेड बाय PX, यही लिख रहा हूं सर फॉर्मूला, बराबर MUY डिवाइडेड बाय PY, अगर तीसरी भी यूनिट है तो MUZ डिवाइडेड बाय PZ सर। ये फॉर्मूला होता है सर, एग्जाम में खूब बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है कि इंडिफरेंस कर्व वो कॉम्बिनेशंस बताता है जो कि कंज्यूमर्स को सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। मतलब कि आपको दो चीज़ें हमने दे दी, दो गुड्स का आपको कंज्यूमशन करने के लिए कह दिया। अब आप कहते हो कि अगर इन दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन बताओ जहां पर आपको सेम मजा आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को 10 रसगुल्ले दे दिए और गुलाब जामुन कुछ भी नहीं दिया, तो मैंने 10 रसगुल्ले खाए, मजा आया मेरे को। फिर कहता है कि अब बताओ अगर मैं आपको 1 गुलाब जामुन दूं तो आप कितने रसगुल्लों को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार करोगे जिससे आपको बराबर मजा आए? तो मैं कहूँ यार अभी तो गुलाब जामुन खाया नहीं तो मैं ज़्यादा सेक्रीफाइस करूँगा ना, मैं कहता हूँ मैं 4 रसगुल्ले का सेक्रीफाइस कर दूंगा। तो अब 6 रसगुल्ले 1 गुलाब जामुन, दूसरा गुलाब जामुन देंगे तो अब क्या मैं 4 रसगुल्लों का क्या करूँगा, सेक्रीफाइस करूँगा क्या सर? नहीं सर, अब तो मैं कम का करूँगा क्योंकि 1 गुलाब जामुन तो मैंने खा लिया, टेस्ट तो उसका ले लिया सर। आई बात समझ में? तो यहाँ ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो होता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन और इसका रीजन होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी ये जो मैंने बताया था ना आपको सर कि रसगुल्लों का मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं गुलाब जामुन का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, जहां पर मेरे को अलग अलग मतलब कि 6 मेरे को 10 रसगुल्ले 0 गुलाब जामुन में वही मजा आता है जो कि मेरे को 6 रसगुल्ले और 1 गुलाब जामुन में मजा आता है। तो यह दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है जहां पर कंज्यूमर्स को सेम सेटिस्फेक्शन होता है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है सर? डाउनवर्ड होता है टू द राइट। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है सर। ये एक इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरह का होता है। इंडिफरेंस कर्व ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं सर, है ना। जितने ज्यादा ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही ज्यादा आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सर। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस को टच नहीं करते हैं सर। आई बात समझ में? और नेक्स्ट क्लास आती है अपनी प्रोडक्शन की क्लास सर। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन ए मैटर। मतलब जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका इस तरह से आप यूज करते हो जिससे कि कुछ ना कुछ चीज आपके लिए बनती है सर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं सर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड। लैंड जो फैक्टर है इसको इसके रिटर्न में कुछ देना पड़ता है। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लैंड की अगर हम बात करते हैं तो सर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, पैसिव फैक्टर है, चल फिर नहीं सकता है, इंडस्ट्रियबल पावर है, इंडस्ट्री इन डेस्ट्री
के टेबल है ना। सो इसका मतलब होता है कि सर लैंड की जो पावर होती है ना सर, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है सर। हालांकि सर उसकी जो उर्वरकता शक्ति है वो कम हो जाती है, लेकिन उसको वापस बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो हमेशा प्रोडक्शन करेगी करेगी अगर ह्यूमन कोशिश करता है तो। सर नेचर का गिफ्ट है, मोबाइल नहीं है, मोबाइल का मतलब पैसिव फैक्टर है सर ये। लेबर की बात करते हो तो लेबर को प्रोडक्शन जो फैक्टर है उसके रिटर्न के बदले में मिलता है वेजेस, ये एक्टिव फैक्टर है, इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर है सर। मतलब कि लेबर को अपना जो श्रम है वो साथ में लेकर ही आना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है सर मैं आ गया मैं काम नहीं करूंगा मेरे को रुपए दो, ऐसे थोड़ी ना होगा सर। मैं जहां पर जाऊंगा वहां पर काम भी करना पड़ेगा। पेरिसेबल है सर, मैं क्या अपने लेबरर को अपने श्रम को इकट्ठा कर सकता हूं क्या सर? नहीं, ये टाइम के साथ क्या होगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा सर। मोबाइल फैक्टर है, चल फिर सकता है सर, है ना। कैपिटल इंटरेस्ट है जो कि ह्यूमन सेविंग्स का जो कहते हैं वो रिजल्ट होता है सर, है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या लेता है, प्रॉफिट लेता है सर। प्रोडक्शन फंक्शंस क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शंस रिलेशंस बताता है किस किस के बीच में कि सर मैं इनपुट इतना डालूंगा तो आउटपुट कितना आएगा, इन दोनों के बीच में इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन बताता है वो है प्रोडक्शन फंक्शंस। ये सिंपल सी बात है, एक शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर क्या रिलेशन है और एक लॉन्ग पीरियड के अंदर क्या रिलेशन है वो बताएगा। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शंस को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि डेवलप किया था आपके लिए अल्फर्ड मार्शल ने। किसने डेवलप किया था आपके लिए? अल्फर्ड मार्शल ने। सिंपल सी बात, ये भी इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में रिलेशन बताता है कि आप कितना इनपुट डालोगे तो कितना आउटपुट बाहर आएगा एक छोटे टाइम पीरियड के अंदर सर। एक छोटे टाइम पीरियड के अंदर मैं आपको कहूं कि सर आप 10 लेबर आपके पास 15 लेबर कर दो, कर दोगे क्या? हां सर कर देंगे। मैं कहता हूं छोटे टाइम पीरियड के अंदर 10 मशीनें हैं, 15 मशीनें खरीदो, एक मशीन 1 करोड़ की आती है, 15 मशीनें खरीदो सर आप, है ना, 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करो। कर सकते हो क्या सर 1-2 महीने के अंदर खर्च? नहीं कर सकते हो सर। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर सभी फैक्टर्स आपके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। अवेलेबल का मतलब होता है अवेलेबल टू चेंज, आप सभी फैक्टर्स के अंदर चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ फैक्टर्स के अंदर चेंज कर सकते हो, उनको तो कहा जाता है वेरिएबल फैक्टर्स। जिन फैक्टर्स में आप चेंज नहीं कर सकते हो उनको कहा जाता है, उनको कहा जाता है फिक्स्ड फैक्टर। तो ये कहता है कि जैसे ही आप वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करते हो और फिक्स्ड फैक्टर सिंपल सी बात है चेंज नहीं होंगे, तो आपके प्रोडक्शन के ऊपर कुछ इस तरह से फर्क पड़ेगा। पहली स्टेज में आपका प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रिटर्न देगा, मतलब कि अगर आप अपने इनपुट में 10% का चेंज करते हो तो आपका प्रोडक्शन 15% से बढ़ेगा। सेकेंड स्टेज के अंदर गिरेगा सर, मतलब 10% का चेंज करते हो तो आपका प्रोडक्शन 8% से बढ़ेगा सर। तीसरी स्टेज में तो नेगेटिव ही हो जाएगा सर। और एक जो प्रोड्यूसर होता है वो कौन सी स्टेज पर जाना चाहता है? हमेशा सेकेंड स्टेज के ऊपर जाना चाहता है सर। और अगेन ये एक और बात बता दूं, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन मार्शल ने कहां पर जाकर एनालिसिस किया था? खेतों में जाकर एनालिसिस किया था सर, है ना। लो रिटर्न टू स्केल या फिर लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, अगेन रिलेशन बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लंबे टाइम पीरियड के अंदर सर। लंबे टाइम पीरियड के अंदर, एक लॉन्ग पीरियड के अंदर आप सभी फैक्टर्स में चेंज कर सकते हो, तो सभी फैक्टर्स अवेलेबल फॉर चेंजेस रहते हैं सर। सभी फैक्टर्स के अंदर चेंज कर सकते हो। लंबे टाइम पीरियड के अंदर कभी भी आपका प्रोडक्शन नेगेटिव में नहीं जा सकता, क्योंकि सर आप वहां पर कैपिटल के यानी मशीनों के अंदर भी चेंज करते हो, मशीनें जब आप ज्यादा लगाओगे सर तो प्रोडक्शन सर कम हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां पर तीन स्टेजेस कौन सी है सर? इंक्रीजिंग रिटर्न है, कॉन्स्टेंट रिटर्न है और डायमेंशनिंग रिटर्न है। यहां पर नेगेटिव वाली नहीं है सर। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन सर किसने दिया था? डगलस और कॉब ने दिया था सर। कौन है सर ये? अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया था, अमेरिका के इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने कहा कि अगर मैं लेबर लेता हूं 3/4 और कैपिटल लेता हूं 1/4, लेबर लेता हूं 3/4 और कैपिटल लेता हूं 1/4, तो मेरे को लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन मिलेगा। लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन का मतलब होता है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, मतलब कि अगर मैं अपने लेबर को 3 से बढ़ा दूं और कैपिटल को 1 से बढ़ा दूं, है ना, तो मेरे यहां पर जो प्रोडक्शन आएगा वो इस तरह का रहेगा कि 100% बढ़ाने पर, इनपुट में 100% बढ़ाने पर मेरा जो आउटपुट होगा वो भी 100% से बढ़ जाएगा। फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने? K = KL बोले तो लेबर की इतनी यूनिट्स और C बोले तो कैपिटल की इतनी यूनिट्स। आई बात समझ में सर? तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं सर? दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से? दो ही है, लेबर और कैपिटल। लेबर कितनी होती है? 3/4, कैपिटल कितनी होती है? 1/4। कैसा प्रोडक्शन मिलता है? लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन, मतलब कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल सर। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 5 की, जिसका नाम है आपके लिए थ्योरी ऑफ कॉस्ट सर। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, रियल कॉस्ट किसने इंट्रोड्यूस की थी सर? आपके लिए अल्फ्रेड मार्शल ने। रियल कॉस्ट का मतलब होता है
वो सारे कोर्स जो कि एक लेबर सैक्रिफाइस करता है आपका प्रोडक्शन करने के लिए सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब लेबर वहाँ पर काम करने के लिए आता है तो सिंपल सी बात है मानसिक तनाव भी रखता है सर वो वहाँ पर, वो अपने घर वालों से भी दूर रहता है सर, वो श्रम भी करता है सर, ये जितनी भी जो कोस्ट लगती है रुपए देने के अलावा जो लेबर की जो कोस्ट लगती है दैट इज कॉल्ड जो उसकी इमोशनल से रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड द रियल कोस्ट सर, आई बात समझ में। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब होता है इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर आप सभी एक्सपेंसेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को इंक्लूड कर लेते हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बोले तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जो रियल में जाती है, जैसे कि लैंड के ऊपर रेंट जा रहा है, वेजेस जा रहा है, है ना, तो इनको बोला जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि प्रोड्यूसर के खुद के ही हैं, वहाँ पर रियल में कुछ नहीं जा रहा है, जैसे कि खुद की जमीन का रेंट सर खुद क्या रखेगा, है ना, और खुद ही तो रखेगा सर, खुद की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट खुद ही तो रखेगा सर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सॉरी अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू माइनस केवल और केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है उसको आप अकाउंटिंग कॉस्ट के नाम से भी जानते हो, इसको अकाउंट्स के अंदर हम क्या करते हैं लिखते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को नहीं लिखते हैं। इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस, अगेन दो जो शॉर्ट पीरियड के अंदर जो कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो दो तरह से रिलेटेड हो सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिल्कुल याद रखिएगा, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन है, मतलब कि अगर आप एक काम करते हो तो दूसरे काम का आपको त्याग करना पड़ता है, तो दूसरे काम को करने की वजह से आपको जितना मिल सकता था दैट्स कॉल्ड योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ तो मेरे को सैलरी मिल रही है 50,000 रुपये, और अगर मैं ये काम नहीं करता तो मैं कोचिंग वगैरह में पढ़ाता तो मेरे को वहाँ पर मिलते 40,000 रुपये, तो यहाँ पर काम करने की वजह से मेरे को कितने, मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है वो है 40,000 रुपये सर, ठीक है। कॉस्ट फंक्शंस का मतलब होता है जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसके फिजिकल जो आउटपुट निकलेगा उसके बीच में रिलेशन बताता है, दो तरह का हो सकता है सर, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल के शॉर्ट रन की, शॉर्ट रन के अंदर दो तरह की कॉस्ट आती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज हो सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट जो कि शॉर्ट पीरियड के अंदर चेंज नहीं हो सकती है सर। लास्ट चैप्टर है हमारा सर मार्केट, मार्केट जो एक लीनियर इंडेक्स यूज की जाती है, लीनियर इंडेक्स क्यों यूज की जाती है, मार्केट पावर को देखने के लिए। मार्केट शॉर्ट पीरियड होते हैं, बहुत छोटे टाइम पीरियड के होते हैं, लॉन्ग पीरियड के होते हैं, ये किसने बताया था, ये बताया था आपके लिए अल्फ्रेड मार्शल ने सर, ठीक है। मार्केट कितने तरह का होता है, पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं सर। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी रहती है सर, इनफाइनाइट रहती है सर, है ना, इनफाइनाइट रहती है, इस तरह की रहती है सर, मतलब कि प्राइस में स्लाइट सा चेंज लोग आपके ऊपर टूट पड़ेंगे सर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके ऊपर प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, यहाँ पर आप केवल और केवल प्राइस टेकर होते हो फ्रॉम दी मार्केट सर। मोनोपोली के अंदर फर्म कितनी रहती है, एक रहती है, प्रोडक्ट कैसे रहेगा, एक ही है, तो एक ही प्रोडक्ट रहेगा जो कि किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूट नहीं होगा सर। प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पर कैसी रहती है, प्राइस इलास्टिसिटी सर यहाँ पर कैसी रहती है, इनइलास्टिक रहती है सर। इनइलास्टिक क्यों रहती है सर, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पर इनइलास्टिक कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना दूसरा, और यहाँ पर प्राइस वेरी कंसिडरेबल बोलो तो प्राइस ये प्राइस मेकर है सर, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बात करें तो और मोनोपोलिस्टिक आता है और ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है कि लास्ट नंबर ऑफ फर्म्स है, बहुत ज़्यादा फर्म्स नहीं है, यहाँ पर तो मोनोपोली में एक है, यहाँ पर 50 हो जाएगी सर, और यहाँ पर तो सर 5,000 है सर, है ना, लास्ट नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं। प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ तरह का डिफ्रेंशिएट होता है, सभी क्या कर रहे हैं, कॉमर्स के नोट्स ही बेच रहे हैं, लेकिन सभी के प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट है। सभी क्या बेच रहे हैं सर, टूथपेस्ट ही तो बेच रहे हैं, लेकिन कुछ सभी के टूथपेस्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन वन होती है, मतलब कि यहाँ पर अगर आप प्राइस में 10% चेंज करते हो तो डिमांड 15% से बढ़ेगी सर। प्राइस के ऊपर सिंपल सी बात है आपका कंट्रोल रहता है, कुछ कुछ कंट्रोल रहता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट में क्या कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। ओलिगोपोली में पाँच ही, अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो ओलिगोपोली में केवल और केवल 5 ही फर्म्स रहेगी सर, है ना, तो कुछ फ्यू फर्म्स रहती है, ज़्यादा फर्म्स रहती है, आप उन फर्म्स को जानते हो बाय नेम, है ना, और यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ तरह का डिफरेंशिएट होता है, और यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी सर, लेस देन वन होगी, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आता है
इंटरडिपेंडेंस, जो पांचों है वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है सर। इसी वजह से ओलिगोपोली के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ओलिगोपोली के अंदर इंटरडिपेंडेंस होने के कारण एक कर्व बनता है, किंग्ड डिमांड कर्व। और दूसरा क्वेश्चन है कि ओलिगोपोली के अंदर जो प्राइस होती है, सर वो कैसी होती है, रिजिड होती है, एक लंबे टाइम पीरियड तक प्राइस क्या रहती है, सेम रहती है सर। अब बात करते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। परफेक्ट कंपटीशन के मतलब एक मार्केट इज सेड टू बी परफेक्टली कंपटीटिव, जहां पर बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, होमोजीनियस होगा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगा, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो परफेक्टली इधर उधर जा सकते हैं, और एक जो बायर्स होता है उसको मार्केट की पूरी तरह से नॉलेज होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक ही तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है एक ही तरह की प्राइस के ऊपर सर। एक फर्म इक्विलिब्रियम कब आएगी, पॉइंट को सर नोट कर लीजिएगा। एक फर्म इक्विलिब्रियम आएगी जब यहाँ पर एम सी बराबर होगा एम आर के, मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगी मार्जिनल रेवेन्यू के, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द एम आर। ये इसका इस तरह का बनता है सर, है ना, ये मार्जिनल कॉस्ट है और ये मार्जिनल रेवेन्यू है। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को काटता है सर, और उसके बाद में कहाँ जाता है, राइज होता है, ऊपर की तरफ जाता है। इन द लॉन्ग रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, देखो सर जो लॉन्ग रन के अंदर कैसे प्रॉफिट हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल लॉस हो सकते हैं सर, क्योंकि सिंपल सी बात है फर्म्स जाती रहेगी, है ना। लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केट मैकेनिज्म लीड्स टू द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सिंपल सी बात है जो फर्म्स अच्छे से रिसोर्सेज का यूज करेगी वो लंबे टाइम पीरियड तक टिकेगी सर। मोनोपोली का मतलब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर, आपके वहां पर किसी भी तरह का कंपटीशन आपके लिए वहां पर नहीं है, एक तरह का इम्परफेक्ट कंपटीशन आप वहां पर कह सकते हो सर, ठीक है। और बात करते हैं सर यहाँ पर एक और बात याद रख लीजिएगा, जो एग्जाम में खूब आती है, परफेक्ट कंपटीशन प्राइस में टेकर होती है, जबकि जो मोनोपोली होती है वो प्राइस मेकर होती है सर, वो प्राइस बनाती है सर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स होते हैं सर, जिनको आप जानते हो, और हर एक बंदा क्या करता है प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट यहाँ पर करता है, जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह आ गया, कपड़े वगैरह आ गए, वो यहीं पर आता है। ओलिगोपोली के अंदर कुछ गिने चुने ही आपके क्या होते हैं, सेलर होते हैं, जिनको आप बाय नेम जानते हो सर। और ओलिगोपोली की अगर हम बात करते हैं तो सर यह यहाँ पर बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं तो ओलिगोपोली की, तो ओलिगोपोली के अंदर स्विजी ने एक कर्व दिया जिसको कहा जाता है किंग डिमांड कर्व। यह कहता है कि आपको अपनी प्राइस बढ़ाने पर भी नुकसान होगा, प्राइस को कम करने पर भी नुकसान होगा, तो आप अपनी प्राइस को चेंज मत कीजिए, मतलब अपनी प्राइस को रिजिड रखिए, चेंज मत कीजिए सर। तो सर ये हुआ हमारा इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स सर। अब हम आगे क्या किया आपके लिए, आगे हमने आपके लिए जो भी हमने अभी तक पढ़ा उससे रिलेटेड शॉर्ट पॉइंट्स बना दिए, ताकि अभी जो पढ़ा ना उससे रिलेटेड और पॉइंट बना दिए थे सर, है ना, ताकि ये चीज़ें आपको एग्जाम में याद रहनी चाहिए, डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर आती है। जैसे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किसने दी, जोएल डीन ने। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन किसने दिया, एडम स्मिथ ने। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स या प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने। ऐसे किसने लिखा था, रॉबिन्स ने। इकोनॉमिक्स एक इंट्रोडक्टरी एनालिसिस किसने दिया था, सैमुअलसन ने। मार्जिनल यूटिलिटी को किसने परपाउंड किया था, मार्शल ने। इंडिफरेंस कर्व को या ऑर्डिनल को किसने बताया था, हिक्स एंड एलन ने। लॉ ऑफ डीएमयू को गोसेन का फर्स्ट लॉ ऑफ भी कहा जाता है, ये किसने दिया था, मार्शल ने। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को गोसेन का सेकंड लॉ भी कहा जाता है। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शंस किसने दिया था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसने दिया था, मार्शल ने। रियल कॉस्ट किसने दी थी, मार्शल ने। इसके अलावा भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो आप जरूर से याद कर लीजिएगा, किंग डिमांड कर्व किसने दिया था, ये बिल्कुल अगर आप पॉइंट, चलो मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। कोऑर्डिनेट ड्यूपोली मॉडल किसने दिया, कब आया था, 1838 में। बर्नार्ड ड्यूपोली मॉडल कब आया था, 1880 में। एजवर्थ ड्यूपोली मॉडल कब आया था, 1897 में। स्टिकल ड्यूपोली मॉडल कब आया था, 1933 के अंदर। चैम्बरलिन ड्यूपोली मॉडल कब आया था, 1934 के अंदर। स्विजी ड्यूपोली मॉडल कब आया था, 1939 के अंदर। न्यूमैन मैजिस्टियन गेम थ्योरी मॉडल कब आया था, 1944 के अंदर। ब्यूमल ड्यूपोली मॉडल कब आया था, 1959 के अंदर। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को। डायरेक्ट से लिखे हुए हैं, डायरेक्ट आपको याद करना है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसने दी थी, पॉल सैमुअलसन ने। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में किसने बताया था, पिगू ने। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होना चाहिए, ये सबसे पहले किसने बताया था, एडम स्मिथ ने। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड किसने दिए थे, बेहम ने। परफेक्ट कंपटीशन इज नॉन एज मिथ सर, परफेक्ट कंपटीशन होता ही नहीं है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था। इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में किसने बताया था, जो मोनोपोलिस्ट है और जो कह सकते हो आप
ओलिगोपोली है, इसके बारे में बताया था जॉन रॉबिन्स ने। किंग डिमांड कर्व किसने दिया था? पॉल स्विजी ने 1939 के अंदर। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस किसने बताया था? अल्फर्ड मार्शल ने सर। मेटेरियल रिक्विजिस्ट वेलबींग किसने बताई था? एसी पीगू ने। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ मोनोपोली किसने बताए थे सर? जोसेफ सेम्पटर ने। वेल्थ ऑफ नेशन किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है कि द डिमांड ऑफ कमोडिटीज और गुड्स दैट प्रोवाइड्स मल्टीपल यूजेस सर, है ना। और ट्रांजेक्शन कोश किसने दी थी आपके लिए? रोनाल्ड कोज ने सर। तो इसी के साथ हमने अपनी इकोनॉमिक्स का पूरा रामबाण सर आपके लिए खत्म कर दिया है सर। और आप एग्जाम के अंदर देखोगे सर, चाहे जो मैंने आपको एग्जाम बताए थे, चाहे वो सीए के एग्जाम हो, चाहे सीएस के एग्जाम हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर यहीं से आपके आते हैं सर। 15 मिनट एक घंटा नोट से वीडियो से पढ़ लीजिएगा, 10 मिनट अकेले में एग्जाम में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा सर। इकोनॉमिक्स की अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। अगर आपको सर वीडियो अच्छा लगा, नोट्स ये आपको अच्छे लगे सर, तो सर वीडियो को सर जरूर से सर लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से सर खूब सारा सपोर्ट मिलता है सर। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम सर। चलिए सर, मिलते हैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में सर।